Hello, good evening students. So, how are you all? I hope that everyone is fine. Yes, class, you have to take care of yourself because अगर health is not okay, अगर health अच्छी नहीं है, then ultimately आपकी studies affect हो जाएंगी, right? So yes, we will be taking care of our health and then simultaneously we will be studying. Okay, so with this good note, class, I just welcome you all to Unacademy platform and जो भी बच्चे मेरी क्लासेस रेगुलरली देखते हैं दे नो हम ऑलरेडी पास्ट में क्या पढ़ चुके हैं एंड इवन टुडे हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। लेकिन जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इधर न्यू लर्नर्स हैं, सब बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारी क्लास का एक फंडा होता है, राइट, ये टेंशन नहीं लेना एंड रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ये दो फंडे हैं। सो बेसिकली हमने बहुत सारी क्लासेस ना, हमने जो पास्ट में ली है, पहले जितनी भी क्लासेस ली हैं, हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे से की है। अब ये क्या इंटरेस्टिंग, हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने क्विजेस करे, राइट, हमने कितना डिस्कशन करके वी कंप्लीटेड दैट चैप्टर, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। तो क्लास इवन अभी हम आगे भी जितने भी वेदर इट्स बायो, वेदर इट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, हम सारे चैप्टर्स हम बहुत एक्सपेरिमेंट से करेंगे। आपको बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, फोकस ऑन द बेस थिंग, ठीक है। 8th में जो पढ़ लिया डन, लेकिन नाउ आप 9th में हो, हम क्या बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। साइंस का आपको यहीं से ही एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है क्लास। सो विद दिस गुड नॉट दैट वी विल फोकस ऑन द मीनिंगफुल लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड हम लर्निंग को बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सो क्लास विद दिस गुड नॉट लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो क्लास टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर है हमारे, आप सबको पता है, आई एम डैम श्योर आपको पता होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर आस पास में जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, वो सब मैटर है। सो क्या वो प्योर है? एज इन मैटर जो भी चीज आपके जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। क्या वो प्योर है? क्या वो प्योर है, क्या मतलब है मेरा प्योर से, राइट। अगर आपने, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अगर आपको अभी आइडिया नहीं आ रहा है कि मैम प्योर क्या बोल रहे हैं, सो आप मेरे ऑलरेडी आई ऑलरेडी टुक 3 क्लासेस ऑन दिस सेम चैप्टर, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरी रोज क्लासेस 5 o'clock क्लास पार्ट चैनल पे ही होती है। तो आप मेरी क्लासेस इसी चैप्टर का, चैप्टर 2 का 3 part 1, part 2 and part 3 देख सकते हो। अदर देन दैट चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 भी कवर कर दिया है। या फिर इनके अलावा इफ यू वांट कि मैम ये चैप्टर पढ़ाओ, आई हैव प्रॉब्लम इन दिस, यू कैन सजेस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज ओपन फॉर यू ऑल। एंड क्लास यस We will be learning in a very very fun way and ये fun तभी होगा जब आप क्या होंगे attentive, right? जब आप सब क्या होंगे attentive, तभी ये क्या बनेगा, fun बनेगा। एंड हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ये आप सबको पता है, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। दिस इज द लवली पार्ट ऑफ साइंस। ओके क्लास, सो before starting the session, let me just quickly introduce myself. As you all know, but the students who just joined, who are new. So class, I am Rashmi Yadav and I'm graduated from Lady Shri Ram College from Women. And I am a TGT teacher and in an academy I am from K-12 category. And class, I taught many students on both the platform, that is online and offline. So here I am to teach you all and to make you all masters of science, right? यहाँ से यहाँ आएंगे हम सब, right? Okay. So class, yes, you can ace your school. This word is really important. You are really lucky. This Unacademy, it's one of the best and biggest platforms, biggest study platform. And why I'm saying this, you will get टॉप एजुकेटर्स, यू विल बी लर्निंग अंडर देम, ठीक है। टॉप एजुकेटर्स आपको सिखाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। पूरा टाइम तो यही दिमाग में रहता है कि नोट्स बनाने, एग्जाम आने वाले, ठीक है, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। सो क्लास, व्हाट यू कैन डू इज यू विल बी जस्ट डाउनलोडिंग द ऐप Unacademy लर्नर्स ऐप। इट इज इजीली अवेलेबल इन द प्ले स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आप वहां पर जाके जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पूछा जाएगा, यू कैन यूज दिस कोड, दिस ऑफर इज गोइंग ऑन, ये आप कोड यूज कर सकते हो RAY10, आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। क्लास दिस इज योर बेनिफिट, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो YouTube पे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन YouTube एंड यू नो व्हाई यू नीड टू टेक सब्सक्रिप्शन। योर फोकस एरिया विल बी इंक्रीज्ड, आपको गाइडेंस के लिए कर रहे होते। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप ना ट्यूशन ले लो, ट्यूशन आप सबके साथ लोगी या फिर आप पर्सनल ट्यूटर लोगे, पर्सनल ट्यूटर, व्हाई? बिकॉज वहां पर आपको गाइडेंस अच्छी मिल रही है, फोकस आपका ज्यादा है, राइट। सो क्लास किस चीज की देरी, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, राइट। सो गो क्विकली आफ्टर दिस सेशन, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप एंड जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन। सो आपके लिए ही अ लिटिल है, आई विल टेल यू द लिस्ट, दिस कैन यू सी ओवर हियर, क्लास 9, 10, 11 and 12. So this is the subscription pitch. So class, this is a two list, number one list and two list. You can see कुछ मतलब मनी में डिफरेंस आ रहा है। So class, क्यों डिफरेंस है? आप ये जो मैं अभी बोल रही थी, ये जो ऑफर चल रहा है RAY10, अगर आप ये यूज करते हो, सो अगर फॉर एग्जाम्पल आप 48 मंथ का लेते हो, सो यहाँ पर यू आर पेइंग 833 पर मंथ और यहाँ पर यू आर पेइंग 750 पर मंथ, हो गया ना कम, जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड, ठीक है। आई विल रिकमेंड यू टू टेक, यू नो, बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी यू कैन टेक, बट आई विल रिकमेंड क्या 48 मंथ का लो, क्योंकि आप यहाँ पर देखो अगर आप 3 मंथ का भी लेते हो तो आप एक, यू नो, ओनली इन अ मंथ आप इतना स्पेंड कर दोगे, जबकि यहाँ पर यू विल बी जस्ट पेइंग 833, नॉट इवन दैट, 10% ऑफ, 10% ऑफ, तब कितना हो गया 750 पर मंथ, दैट्स इट। सो क्लास किसी चीज की देरी नहीं है, गो एंड 67% ऑफ, टेक इट इफ यू वांट टू टेक फॉर 48 मंथ, दैट विल बी ग्रेट, नहीं लेना 36 मंथ, 24 मंथ, सो दिस इज बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी, ठीक है, ओके। सो क्लास यू नो व्हाई आई एम आस्किंग यू टू टेक सब्सक्रिप्शन, These are some features, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे मैम हम तो YouTube भी तो पढ़ रहे हैं तो हम सब्सक्रिप्शन क्यों ले, है ना। तो ये ना मेरे भी दिमाग में था कि क्यों लेना चाहिए, बट मैंने जब ये देखा ना सब्सक्रिप्शन पिच, मैंने पिच, जब मैंने ये पिच भी देखा, मैंने ये देखा अरे 750 इतने का तो खाना ही मैं, यू नो, पार्टी कर करके खत्म कर देते, तो क्यों ना हम थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट अगर यहाँ कर दें तो हम यहाँ से यहाँ आने के ज्यादा चांसेस हैं, सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इट। फिर मैंने देखे यहाँ पर कुछ फीचर्स भी हैं, तभी मेरे को सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत मन करा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यू विल बी लर्निंग एट योर होम, कंफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंफर्ट, आप अपने घर पे बैठ के क्लासेस ले सकते हो एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ कोर्स, कोई मर्जी कोर्स लेना, एक बार सब्सक्रिप्शन आप लो, आपके पास जो मर्जी आपको कोर्स लेना है, दैट विल बी अनलिमिटेड, यू कैन टेक इट। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, हाँ, एंड आपके रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास। अभी YouTube पे क्या होता है, YouTube पे आप क्लासेस लगा रहे हो, आप सुन रहे हो, लेकिन डाउट तो रह रहे हैं ना, डाउट यहाँ पर अनअकैडमी क्लियर करता है। आपके जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो हर एक बच्चे पे गाइडेंस होती है एंड वो एजुकेटर्स आपको पूरा हेल्प करते हैं थ्रू आउट योर टेन्योर, ठीक है, ओके। ओके, फुल कवरेज ऑफ सिलेबस, सिलेबस आपका पूरा कवरेज होगा, ऐसे डरना नहीं कि मैम अभी तो हम यही चैप्टर कर रहे हैं, वो कब करेंगे, पूरा कवर होगा आपका सिलेबस बहुत अच्छे से, बहुत डीपली, और गाइडेंस होगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, ये जो मैं बात कर रही थी नोट्स के बारे में, तो स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे। क्लास आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है कि गूगल कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सीधा आपको हम काम करके देंगे, ठीक है, हम डाउट क्लियर करेंगे आपका, हम ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, आपको जस्ट आना है, दैट्स इट। लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, राइट। सो दीज आर दी सच अ ग्रेट फीचर्स, सो आप डेफिनेटली नाउ आफ्टर सीइंग दिस फीचर्स इट्स ऑन यू to, you know, whether you want to take a subscription, whether you need to be focused toward your studies or not, ठीक है। So हमने these are some iconic subscription. For example, personal mentor. So personal, so it will be a personal guidance. Ki you know, if that will be great. अगर हमारा personal guidance होता है, teacher आपकी weakness and strength बहुत अच्छे से जानता है, right? सो आपके ज्यादा इंप्रूवमेंट होने की चांसेस हैं। लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, वीकली रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। बच्चे टेस्ट तो देते रहते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं मिल रही है, कहाँ कम हो रहे हैं कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, वीकली रिपोर्ट्स विल बी प्रोवाइडेड। Parent contact. So basically, if you are studying at your home, so it's really important for teacher also and for parents also to connect with each other, right? ऐसा तो नहीं है कि अभी आपको पढ़ने का टाइम है एंड आप साइमल्टेनियसली घर में कहीं और इंडल्ज हो। सो दैट्स वाई पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं कि ये स्टडी मटेरियल है, ऐसा हमारा प्रोसीजर होगा एंड पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है कि ये बच्चा ऐसे काम करने वाला है, तो बीच में कोई हर्डल नहीं आएगा। ठीक है, स्टडी प्लानर होगा, फुल टाइम टेबल आपका हम ही सेट करके देंगे इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड आपको बस सब्सक्रिप्शन लेना है और इन सारे बेनिफिट्स को उठाओ। व्हाई नॉट टू अवेल इट, राइट? आपको YouTube पे ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आप आओ क्लासेस लो एंड आप चाह रहे हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो दैट विल बी हेल्पिंग यू, विल बी इंक्रीजिंग द फोकस एरिया ऑफ योर्स, राइट? तो क्लास हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में। आपने जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर बेसिकली पहले ये देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता क्या है, क्या होता है ये। हम बेसिकली यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स जो है गैंग एंड ओर, रेड कलर में आप देख सकते हो गैंग एंड ओर। बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ गैंग एंड एन और। गैंग को आप इन शॉर्ट इम्प्योरिटीज भी कह सकते हो, ठीक है, इन शॉर्ट इम्प्योरिटीज। सो बेसिकली इम्प्योरिटी का क्या मतलब है, आपके पास कोई भी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वाटर, ठीक है, वाटर हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसमें अगर आप कुछ और चीज ऐड करते हो तो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ऐड कर दिया, इधर शुगर डाल दिया, यू आर एडिंग समथिंग, राइट? तो इम्प्योरिटी आ गई एक टाइप का। पहले हमारे पास बिल्कुल प्योर वाटर था, बिल्कुल साफ पानी, बट नाउ द मोमेंट वी आर एडिंग समथिंग, वेदर इट्स गुड थिंग और बैड, मड डाल लो या फिर कुछ भी अच्छी चीज डाल लो, ठीक है, एंड ये नहीं मैटर करता क्लास कि वो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। अगर वो डिसॉल्व हो भी रहा है तब भी, और अगर नहीं भी हो रहा है तब भी, we have to see that how we will be separating it again and in all how we will separate. इस प्रोसेस, सेपरेशन के प्रोसेस को हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोला है, ठीक है। सो क्लास इन डिटेल हमने पहले भी पढ़ चुका है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में, बट अंडर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर यू कैन सी ओवर हियर, सी गैंग हमने यहाँ लिखा हुआ है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर, एंड ओर क्या है, The mineral from which metal can be separated, जिससे हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, हमने इम्प्योरिटीज निकाल दी, तो ये जो है मेटल जिससे सेपरेट किया है उसे और कहेंगे, इम्प्योरिटीज को गैंग कहेंगे, ठीक है। ये तो कंसंट्रेशन ऑफ और है, हम बहुत टाइम से कंसंट्रेशन ऑफ और के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अंडर द कंसंट्रेशन ऑफ और ये जो सेपरेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, हमने फिल्ट्रेशन पढ़ चुका है ऑलरेडी, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट, और हम इवेंट सेपरेटिंग फनल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर हमने ये भी सीन देख लिया कि अगर फिल्ट्रेशन में यू हैव वन थिंग सॉलिड दैट इज सॉइल एंड अनदर थिंग इज लिक्विड दैट इज वाटर, कैसे सेपरेट करोगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, आपके पास आयरन क्या है, आयरन फिलिंग्स है, ठीक है, आयरन की फिलिंग्स है, और यू हैव अनदर थिंग दैट इज सॉइल। सो बोथ आर सॉलिड ओवर हियर, बट वन मटेरियल हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। वो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेट से अटैच होंगे, राइट, अट्रैक्ट होंगे। सो मैग्नेटिक सेपरेशन भी, सो जितने भी इफ वी विल बी यूजिंग मैग्नेट, सो ये सारे मैग्नेट को अटैच हो जाएंगे, सॉलिड अलग, जो भी हमारे पास ये जो सॉयल है तो ये अलग हो जाएगी, मैग्नेटिक और आयरन फिलिंग वो अलग हो जाएगा। सो मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा। इवेपोरेशन क्या है, बेसिकली हमारे जैसे कपड़े हम धूप में रखते हैं, क्या जा रहा है उसका पानी, वो आसमान में जा रहा है ना, क्या प्रोसेस होगा उसके पीछे, इवेपोरेशन। तो ये प्रोसेस कब काम आता है, जब हमारे पास कोई एक, अब हमारे पास मिक्सचर होना जरूरी है, राइट, किसी चीज का मिक्सचर होना जरूरी है। यहाँ पर आयरन फिलिंग और एक सॉयल, जो सॉयल इज ऑल्सो सॉलिड, तो सॉयल का क्या है, मिक्सचर है। बट ओवर हियर इन इवेपोरेशन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ वाटर, वाटर विल इवेपोरेट, राइट, एंड वाटर के साथ वी हैव सॉल्ट। अब हमें ये डिसॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। हाउ वी विल सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, वाटर को सॉल्ट से कैसे सेपरेट करेंगे? सो बेसिकली हम इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस से पानी अलग हो जाएगा, सॉल्ट आपका यूटेंसिल के अंदर रह जाएगा। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था एक्सपेरिमेंट के साथ। Then we discuss about separating funnel. So क्या separating funnel भी हमने देखा, एक oil है and oil and water है, both are liquids, right? They both do not mix with each other. एक दूसरे से mix नहीं होते, right? Oil and water एक दूसरे से mix नहीं होते हैं। Then we use this separating funnel. बेसिकली आप इसको अगेन डिटेल में देख सकते हो, पूरा हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप करा था, देखा था जितना ऑयल है कैसे हम सेपरेटिंग फनल को यूज करके वाटर को अलग कर देंगे एंड ऑयल को अलग करेंगे। ठीक है क्लास, नाउ अभी हमारे पास जो टॉपिक रह गए हैं, सब्लिमेशन रह गया, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि हम आज कौन सा टॉपिक करेंगे, ठीक है, इसको सस्पेंस में रखते हैं। हम अभी डिस्कस करेंगे एक भी, कोई भी इनमें से जो मैंने टिक करे हैं, आई विल डिस्कस, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आई विल डिस्कस अमंग्स दिस। बेसिकली इनमें से कोई भी टॉपिक हो सकता है, 3, 6, 7, 8, 9, 10 में से कोई भी टॉपिक हो सकता है। सो व्हाइल वी आर डिस्कसिंग क्लास, Think about it that हम कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। The moment you will be able to think, write in the comment box कि मैम ये वाला प्रोसेस है। I'll definitely love to see who is the first person जिन्होंने guess किया है whether we are talking about sublimation, crystallization, distillation, fractional distillation, chromatography या फिर centrifugation। So class, without wasting any time, we can start our session. So class, हम बात कर रहे थे concentration of ore के बारे में। हम यहाँ पर दो वर्ड देख सकते हो रेड कलर में, गैंग एंड ओर। इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि कैसे आप एक इम्प्योरिटीज को एंड ओर्स को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट। उसे ही हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। क्लास इसके अंदर हमने कुछ प्रोसेसेस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। सो आप इन सारे प्रोसेसेस को आप मेरी जो ऑलरेडी क्लासेस मैंने ले चुकी हैं, आप उनको एक बार वापस से रेफर कर सकते हो, वापस से देख सकते हो, सो दैट योर बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। तो फिल्ट्रेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्लास इन द लास्ट क्लास आप सबको, जो बच्चे रेगुलर हैं उन सबको पता होगा कि हम कर रहे थे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने ये देख लिया था कि सब्लिमेशन होता क्या है, राइट। सब्लिमेशन क्या होता है, एक कोई भी मिक्सचर है उसके अंदर एक सब्लिमिएबल सब्सटेंस होना चाहिए। क्या सब्लिमिएबल सब्सटेंस, बेसिकली ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो सीधा सॉलिड से गैस में बन जाए, जैसे कि नैप्थलीन बोल, राइट, कैम्फर जो कपूर होती है। ये प्रोसेस अपने में ही बहुत स्पेशल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस में बनना, यहाँ पर ये लिक्विड फेज ही एग्जिस्ट नहीं करता, सीधा सॉलिड से गैस फॉर्म हो रहा है। कैन यू बिलीव दिस क्लास, आप लिक्विड फॉर्म ही नहीं करता, कैम्फर, आप आग लगा के देखो कपूर को, सॉलिड है सीधा गैस में बन जाएगा, पानी आता ही नहीं है। नैप्थलीन बॉल कपड़ों में रखते हैं, तो बेसिकली पहले उसका साइज इतना बड़ा था, इतना रह गया, क्या कहा गया, सॉलिड, गैस बन गया। सो दिस इज सब्लिमेशन। क्लास आज की क्लास में हमें करनी है एक्सपेरिमेंट्स। हमने लास्ट टाइम बहुत थ्योरीज पढ़ ली थी, राइट, इतनी थ्योरीज पढ़ ली थी, अब हम पूरे, हमारे पास सारा ज्ञान है, सब माइंड में है, अब हम रेडी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो क्लास एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक एक चीज के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नई चीज लेके आओ घर में, आप क्या करते हो, फटाफट उसे यूज करने लग जाते हो, इधर आप उसको देखते हो कि क्या है, कौन कौन के देखते हो कि हर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, देन यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नया नया हेलीकॉप्टर आया है, तो आपके पास फ्लाइंग हेलीकॉप्टर, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर, इधर रिमोट कंट्रोल कार है, क्या करोगे? अच्छा, इससे आगे जाता है, इससे साइड में जाएगा, यू विल सीइंग द पार्ट्स। सो अगेन, अगर हम यहाँ पर केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, व्हाट वी हैव टू डू, ये हमारे पास कुछ सेटअप है। हम अभी सब्लिमेशन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? क्या होता है सब्लिमेशन? सबको पता चल गया होगा अभी तक कि सब्लिमेशन हमारा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट जो होता है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ओवर हियर ये जो सेटअप किया गया है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप, यहाँ पर क्या पार्ट क्या किसको बोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे बिल्कुल सर के ऊपर एक कॉटन प्लग है। क्या है? कॉटन प्लग। पहले तो कॉटन प्लग देखने से पहले देखो ये जो है पूरा, दिस इज फनल। क्या होता है फनल? क्लास, ये जो पूरा है फनल है। क्या है? अभी आप बोलोगे मैम ये कैसा फनल है? तो बेसिकली अगर आपको याद है, हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, याद है हमने कैसे फनल शेप का बनाया था, एक ऐसे सर्कल में कट करके भी फोल्डेड इट, बहुत डिटेल में देख सकते हो आप, वापस से मेरी क्लास देख सकते हो। तो बेसिकली ये एक फनल शेप, ठीक है? हमने क्या किया, फनल तो ऐसा होता है, ये है एंड नीचे ट्यूब है, मान लो ये मेरी ट्यूब है एंड दिस इज फनल, ठीक है? और हमने इसी के अंदर ही फनल पेपर, फिल्टर पेपर रखा था, जिससे हमारी जो सॉयल है इसमें हमारी लग गई थी फिल्टर पेपर के अंदर। और ये जो ट्यूब है, माय दिस हैंड, ये जो ट्यूब है यहाँ से फिल्टर होके पानी अच्छा नीचे आया था। ओके, ओवर हेयर इसको हमने फनल को पूरे को इन्वर्टेड, यू कैन सी ओवर हियर ये जो यहाँ पर लिखा है इन्वर्टेड फनल। सो बेसिकली हमने इस फनल को सीधा रखने के बजाय उल्टा रख दिया। तो ऊपर ऐसा लंबी सी ट्यूब है एंड नीचे ओपन है, ठीक है? इन्वर्टेड फनल है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग लाइक दिस, ये तो फिल्ट्रेशन में रखा था, वी विल पुट इट इन्वर्टेड, उल्टा रख दिया, ठीक है? बट उल्टा ऐसे ही नहीं रख दिया, हमने एक लिया स्टैंड। स्टैंड लेंगे, उस स्टैंड के ऊपर रखेंगे हम चाइना डिश, चाइना डिश, ठीक है? इसलिए नहीं बोलते हम, ये जो चाइना डिश हम इसलिए नहीं बोलते कि चाइना में बनी हुई है, नो, वी यूज दिस एज अ चाइना डिश, ठीक है? इसको हम चाइना डिश बोलते हैं। ये थोड़ी सी ऐसे कर्व में ऐसे होती है चाइना डिश, ठीक है? तो बेसिकली हमने चाइना डिश लिया, उसको हमने ये जो फनल है इन्वर्टेड रख दिया, उल्टा रख दिया। ओके Now what do we have? दिस चाइना डिश के अंदर आप कुछ देख सकते हो, क्या है ये? ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। यहाँ पर ये जो जितना भी सॉलिड फॉर्म में रखा हुआ है ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? हमने यहाँ पर एक और चीज आप देखो, ये जो ऊपर मैंने बोला कॉटन प्लग लगा रखा है, वाई हमने कॉटन प्लग क्यों लगा रखा है? एक चीज फोकस करो क्लास, नीचे यहाँ पर आज हमने हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल शेप, है ना? कहीं पर भी ट्राइंगल है, दैट शोस की हीट हो गई, ठीक है? हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा? ऑफ कोर्स पानी को आप हीट करो, क्या होगा? पानी आपने हीट किया, हीट किया, हीट किया, क्या बनता है? लिक्विड से गैस बनेगा, वेपर्स बन रही है, राइट? सो वो क्या होगा? अगर ये कॉटन प्लग ना लगाए, ये सारे वेपर्स बाहर निकल जाएंगे, चले जाएंगे, आसमान में होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमारे पास है दो सब्सटेंस, सब्लिमेशन के अंदर है हमारे पास दो सब्सटेंस। एक है सब्लिमिएबल, जो एक सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, और एक है नॉन सब्लिमेबल, जो कुछ भी नहीं होगा, जो यहाँ पर ही सिर्फ रखा रहेगा। सो बाय जस्ट सब्लिमेशन प्रोसेस हम सब्सटेंस को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ और, गैंग को एंड और को कैसे सेपरेट करना है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ और, राइट? वी जस्ट डिस्कस दैट। सो क्लास हियर आई होप बिफोर स्टार्टिंग यू ऑल गॉट टू नो, हमारे पास स्टैंड है, वी हैव अ चाइना डिश ओवर हियर, यू कैन सी, एंड देन वी हैव एन अमोनियम क्लोराइड, वी हैव अ इन्वर्टेड फनल, उल्टा करके इन्वर्टेड फनल है, वी हैव अ कॉटन प्लग, ठीक है? So all this that we have a fire also, and this all this we need in our experiment. That's it. तो हमने पार्ट्स तो देख लिए क्लास की, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे क्या क्या पार्ट्स हैं? कॉटन प्लग, इन्वर्टेड फनल, एंड अमोनियम क्लोराइड, चाइना डिश एंड बर्नर। दिस स्टैंड इज नॉन, यू नो, वी हैव अ स्टैंड एंड नाउ दिस बर्नर, जिससे हमारे फायर हम पुट कर रहे हैं, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें पार्ट्स पता चलते हैं। नाउ हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट, द मोस्ट अवेटेड मोमेंट फाइनली आ गया। एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है क्लास, इसके अंदर हमने क्या किया, पूरा सेटअप कर दिया। ओके, सो नाउ वी हैव अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर ये जो बर्नर है, विल यूज दिस बर्नर, और क्या प्रोवाइड करेंगे है हम, हीट। हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हमने लगा दी आग इसके नीचे। तो अब हमारे पास ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड गर्म होगा, ये जो चाइना डिश है, फिर चाइना डिश गर्म होगी, ये जो ऐसे है ना हमारी डिश, ये गर्म होगी। इसी डिश के अंदर अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड गर्म होगी। ओके, अब वो इतनी गर्म हो गई, नाउ क्या होगा हमारा अमोनियम क्लोराइड, थिंक अबाउट इट, वी हैव अमोनियम क्लोराइड इन अ सॉलिड स्टेट। क्या होगा हमारे पास, वाटर जो होता है, वाटर को आप हीट करो, वाटर तो लिक्विड स्टेट में होता है ना, लिक्विड स्टेट में होता है, आप हीट प्रोवाइड करते हो, क्या बनता है, गैस बन जाता है। बट नाउ वी हैव सॉलिड, और हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या बनेगा हमारा, सीधा कुछ वेट करेंगे टाइम, हमारे वेपर्स बन जाएंगे। क्यों वेपर्स बनेंगे, बेसिकली हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ध्यान से सुनना क्लास, हमने टेम्परेचर क्या किया, हीट प्रोवाइड करके टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ऑब्वियस सी बात, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी तो गर्म होगा, है ना, टेम्परेचर हो गया इंक्रीज। ओके, हमारा काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा ज्यादा। किस चीज का काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, सो हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी भी आपका हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, बेसिकली आपने कभी भी गर्म पानी में, कभी गर्म पानी करके दे, उसमें सॉल्ट मिलाओ, मिक्स करो, जल्दी डिसॉल्व होगा, या ठंडे पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स करो, उसमें होगा, ऑफ कोर्स गर्म पानी में होगा। क्यों, क्योंकि उस पानी का एक तो टेम्परेचर ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। क्या मतलब काइनेटिक एनर्जी के ज्यादा होने का, बेसिकली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो जितनी जल्दी पार्टिकल मूव करेंगे उतनी जल्दी हमारा क्या होगा, डिसॉल्व। बट इन दिस सिचुएशन हमने हीट प्रोवाइड कर दी, हमारे काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, पार्टिकल जो ऐसे नॉर्मल स्टेट में थे उनकी वो हिलने लग जाएंगे, है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज होगी। अभी ऐसे मूव कर रहे हैं और हीट आ रही है, वो थोड़ा सा और तेज इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत हीट हो गए वो और तेज इंक्रीज कर रहे हैं। सो क्या हो रहा है, पार्टिकल अट्रैक्शन है, कुछ पार्टिकल का मूव कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन रहा नहीं रहा, तो क्या बोल सकते हैं हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया कम। सो क्या हो गया, हमारे पार्टिकल पहले धीरे धीरे घूम रहे थे, और हीट किया थोड़ा सा और घूमे, और हीट किया थोड़ा सा और घूमे, और हीट किया और तेज घूम रहे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जा रही है, और हीट किया बहुत तेज हो गई है, सारे पार्टिकल्स यहाँ से वहां जा रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई कम, ज्यादा होती तो एक साथ रहते, पार्टिकल्स एक साथ रहते, दूर दूर जा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई कम। तो आप क्या बता सकते हो, अब हमारे पास एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, तो स्पेस क्या होगी, इनके बीच की स्पेस ज्यादा होगी या कम होगी, थिंक अबाउट इट, क्या होगी इनकी स्पेस, ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। पास होते तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता, स्पेस कम होती, अब वो इतनी दूर दूर घूम रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बची ही नहीं। क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन, उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो स्पेस क्या हो गई, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक दूसरे इतनी दूर है, ज्यादा हो गई, क्या हो गया, अब ज्यादा स्पेस होती है क्या, किस वाली स्टेट में होती है, सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, गैस में होती है, अब कौन गैस में होती है ना। हमारे पास सॉलिड में पार्टिकल ऐसे ऐसे लगे हुए होते हैं एक साथ, बिल्कुल मूव करने की स्पेस चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत टाइटली अटैच है, अट्रैक्ट कर रखे हैं, और स्पेस है ही नहीं। लिक्विड में हल्के से दूर आते हैं, गैस में तो बहुत दूर होते हैं। तो जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सब्लिमिएबल सब्सटेंस को, तो हमारा क्या हो रहा है, याद रखो सब्लिमिएबल सब्सटेंस को, ये लिक्विड फॉर्म नहीं होगा, सीधा गैस बनेगा। हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ रहा है, गरम गरम हो रहा है। आप खुद सोचो, आप को भी अगर गर्मी लग रही है, आप बैठे तो अंदर होंगे, व्हाट यू विल डू, भागोगे यहाँ से वहां कि अरे कहाँ है हवा, हवा चाहिए। वही पार्टिकल्स का हाल है, आप उनको गर्मी लग रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उनका मूवमेंट बढ़ गया, दे आर रनिंग लाइक हेल, यहाँ जा रहे वहां जा रहे हैं। उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इतना स्ट्रॉन्ग था सॉलिड में, अब वो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वो भाग रहे हैं यहाँ से वहां और स्पेस हो गई बहुत ज्यादा। ठीक है क्लास, सो ओवर हियर कैन आई से दैट, just let me rub this, okay, over here can I say this ammonium chloride अगर हम इसको heat करेंगे, ये solid से किस में convert हो जाएगा, gas में convert हो जाएगा। solid से gas में convert हो रहा है, पूरा process क्यों convert हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है temperature बढ़ गया, kinetic energy बढ़ गई, force of attraction हो गया कम और space बढ़ गया। इसके वजह से आपके पास ये अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड स्टेट में था चाइना डिश के अंदर, ये बन गया वेपर स्टेट में, अमोनियम क्लोराइड बन गया वेपर स्टेट में। अब वो आसमान में वेपर में है या फनल के अंदर वेपर में है ये। अब देखो जस्ट इमेजिन, हम अगर ये कॉटन प्लग नहीं लगाते, अगर हम ये कॉटन प्लग जो लगा रखा है नहीं लगाते, क्या होता, ये अमोनियम क्लोराइड जैसी वेपर बना, ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं ना, आसमान में चले जाते, क्योंकि कोई स्टॉप नहीं कर रहा है, सीधा वो बाहर, और क्या होता आपका, ये खाली हो जाता, सब खत्म। तो ओवर हियर इसको बाहर नहीं लेके जाना, हमने इसीलिए ही रिस्ट्रिक्ट करना है इनकी मूवमेंट को, हमने लगाया है कॉटन प्लग। अब वो बाहर नहीं जा सकते ना, वो क्या घूम रहे, वेपर की स्टेट में घूम रहे। ओके अभी वो वेपर की स्टेट में है। तो क्लास कैन आई से यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है सॉलिड में गैस कन्वर्ट होना, ये एक सब्लिमेशन प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस है, कैन आई से दैट, क्योंकि बहुत क्लियरली दिख रहा है। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड आपने चाइना डिश के अंदर आपने बिल्कुल सॉलिड अमोनियम क्लोराइड रखा, ठीक है। अभी हम अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे, आयोडीन का अमेजिंग एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा बनता है उसे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो सब्लिमेशन में देखा कैसे हमारे पास एक सॉलिड था, उसको हमने कैसे हीट, यहाँ ऐसे वैसे नहीं दे रहे हम हीट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हीट का भी, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट पार्टिकल का बहुत ज्यादा हो गया, यही होता है काइनेटिक एनर्जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई बहुत कम, एंड स्पेस हो गया हमारा बहुत ज्यादा, इसलिए आपका सॉलिड से बन गया गैस में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। नाउ अभी हमारी कहानी क्या चल रही थी, सॉलिड से ये जो मैं ग्रीन ग्रीन बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ हमारा वेपर, ये अमोनियम क्लोराइड वेपर्स है। अब कहाँ जाएंगे बेचारे, बाहर तो जा नहीं सकते, ये ऊपर गए, ऊपर गए, सोचो चलो बाहर निकलते हैं। अब क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है कम होगा, यहाँ का टेम्परेचर एज कंपेरेटिवली यहाँ से, ये जो यहाँ का जो टेम्परेचर है यहाँ से कम होगा, है ना। ये हमेशा ये थोड़ा सा ठंडा रहेगा। आप बर्तन भी देखो जो बिल्कुल गैस से टच है, वहां टच करके टच मत कर लेना असली में, ठीक है, हाथ जल जाएगा। तो वहां देखो ज्यादा गर्म होगा, ऊपर टच करोगे कम गर्म होगा। तो यहाँ पर एज कंपेरेटिवली आपका जो ये फनल है वो कोल्ड होगा, टेम्परेचर होगा गर्म, लेकिन इसके कंपैरिजन नीचे वाले फनल से कंपैरिजन ठंडा होगा ऊपर, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को नहीं पता, लेकिन अमोनियम क्लोराइड सोच रहा है अभी तो हम बाहर निकलेंगे, हम सॉलिड से वेपर बन गए हैं, हम जा रहे हैं आसमान में। अब वो जैसे ही जा रहे थे बाहर, उनको दिखा रहे यहाँ तो बड़ा ठंडा ठंडा है, यू नो, पूरा इतना जो हमें इतनी हीट मिली थी, हम सॉलिड से जो लिक्विड में, नॉट लिक्विड, सॉलिड से जो गैस में कन्वर्ट हुए, सो अभी यहाँ तो बहुत ठंडा है। क्या होगा, वो यहाँ पर ये देखो साइड में ये जमा हो गए, राइट, ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे। सो इसको क्या कहेंगे है हम, इसको क्या कहेंगे, अमोनियम क्लोराइड, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सॉलिडिफाई हो गया। कैसे सॉलिडिफाई हो गया, बेसिकली आपके पास है अभी एक गैस, आपके पास क्या है, गैस फॉर्म। एंड अभी आप क्या कर रहे हो, इसका टेम्परेचर ऊपर जब आए हो गया कम, टेम्परेचर ऑफ कोर्स कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल की मूवमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और पार्टिकल्स के ये जो बीच में जो स्पेस है वो क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके वजह से सीधा गैस से आपका बन जाएगा सॉलिड, और ये सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है क्लास, सो आई जस्ट रब दिस अगेन, सो हैव अ लुक। यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, ये जो प्रोसेस है, यहाँ जो हीट हो रहा है, इसको मैं बोल रही हूँ ये एक सब्लिमेशन प्रोसेस है। क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस है। क्यों सब्लिमेशन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा ये जो है सॉलिड से हमारा गैस में जो कन्वर्ट होता है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। हमने टेम्परेचर ज्यादा दिया, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा देने से क्या हुआ, हमारा काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हुआ ज्यादा, हमारा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या हुआ, कम, बहुत तेज मूव कर रहे हैं, पार्टिकल का अट्रैक्शन ही नहीं बचा, और स्पेस क्या हो गया, बहुत ज्यादा। सो क्या होगा, दिस इज अ रीजन फॉर सब्लिमेशन, एक सॉलिड से गैस बन जाएगा। ठीक है, अब जब वो वेपर बन गया अमोनियम क्लोराइड, हमारे यहाँ पर जो फेज चल रहा है, यहाँ पर सब्लिमेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर आई विल से डिपोजिशन, डिपोजिशन हो रहा है। कैन यू सी, ये अमोनियम क्लोराइड डिपोजिट हो गया है। डिपोजिशन क्या है, बिल्कुल अपोजिट सब्लिमेशन के, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, डिपोजिशन, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन होता है। ठीक है, सो ओवर हियर आपका जब वाटर वेपर, ये जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स थे ऊपर गए, टेम्परेचर इसका पूरा अपोजिट कर दो, टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर हुआ कम, यहाँ से कंपेरेटिवली यहाँ पर टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जहां पार्टिकल ऐसे वैसे भाग रहे थे, ठंडे हो जाएंगे, रुक जाएंगे, है ना। आपको गर्मी लग रही है, आप इधर से उधर जाओगे, जैसे ही आपको एसी मिल जाएगी, कूलर मिल जाएगा, फैन मिल जाएगा, बैठ जाओगे, है ना। तो सेम विद पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी हो गई कम, अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, बैठ गए तो अट्रैक्शन हो गया, और स्पेस क्या हो जाएगी बिटवीन पार्टिकल्स, कम। सो दिस इज अ रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड। नीचे सब्लिमेशन हो रहा है, ऊपर डिपोजिशन हो रहा है। कैन यू सी दैट क्लास, जस्ट बाय दिस प्रोसेस हमने कैसे सब्सटेंस को, ये तो हमने प्योर अमोनियम क्लोराइड लिया, अगर हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और सॉल्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया और सॉल्ट ले लिया, क्या होता, आपका अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन से तो वेपर बन जाता है ना, सॉल्ट रह जाता है यहाँ पर, नीचे नीचे रह जाता सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर डिपोजिशन से, डिपोजिशन के प्रोसेस से डिपोजिट हो जाता। सो पता चल गया, ये रहा ऊपर प्योर अमोनियम क्लोराइड, नीचे रह गया सॉल्ट, ये दो मिक्सचर ऐसे सेपरेट किए जाते हैं, ये होता है सब्लिमेशन। आई बात समझ क्लास, बहुत बेसिक है। नाउ वी कैन सी सम स्टेप्स। क्या है स्टेप्स, लेट अस, सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वही चीज है जो अभी हम डिस्कस करते हुए आए हैं, स्टेप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। लेट अस नाउ डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, टेक सम अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सो क्लास अगर आपके एग्जाम में आता है अमोनियम, आपको सब्लिमेशन का स्टेप्स टू स्टेप आपको लिखना है, ये पूरा स्टेप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। So it will be very easy for you to write in your exams also. So you can take a note, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख लो अपनी नोटबुक्स में, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। ओके, अमोनियम क्लोराइड हमने ले लिया, पाउडर इट इन अ पेस्टल एंड वाटर। वो जो होता है ना हमारे पास ऐसे हम जो पीटते हैं उसको हम कहते हैं पेस्टल एंड वाटर, एंड प्लेस इट इन अ क्लीन एंड ड्राइड चाइना डिश। फिर पूरा पाउडर बनाने के बाद हमारे पास एक मोटा सा एक ऐसे सॉलिड के बजाय हमने उसको पीस दिया, सॉलिड तब भी सॉलिड है पीसने के बाद, और हमने चाइना डिश के अंदर इसको रख दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर रख दिया चाइना डिश के अंदर। ठीक है, नाउ कवर द चाइना डिश विद द परफोरेटेड फिल्टर पेपर या और इधर प्लेस एन इनवर्टेड फनल ऑन द फिल्टर पेपर एज शोन इन द फिगर। जैसे हमने पहले फिगर देखी थी उसमें हमने देखा इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इनवर्टेड फनल लगा देंगे। ठीक है, फनल यूजुअली ऐसा होता है, बट हम क्या करेंगे, चाइना डिश है, इनवर्टेड फनल लगा देंगे, दैट इज दिस, ऐसे इनवर्टेड फनल लगाएंगे। ओके, क्लोज द स्टेम ऑफ द फनल विद द कॉटन प्लग। ऑफ कोर्स अमोनियम क्लोराइड बाहर ना निकल जाए इसलिए कॉटन प्लग से बंद कर देंगे। ऑन हीटिंग द चाइना डिश, नीचे से हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट। द वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड राइज अप। हमारे सॉलिड अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में थे, पाउडर फॉर्म में सॉलिड में थे, अब वो हीट करने से उसके वेपर ऊपर जाएंगे। Pass through the hole in the filter paper. आप filter paper भी add कर सकते हो, नहीं करना it's perfectly okay. In the filter paper, get cooled in the upper portion of the funnel and change into the solid form. ऊपर गए वेपर क्या बन गए, solid form में बन जाएंगे क्योंकि वहाँ ठंडा है, नीचे के बजाय ऊपर ठंडा है, वहाँ डिपोजिशन प्रोसेस होगा कि गैस से बन गया solid. Then okay, the solid dust form got deposit on the inner wall of the funnel. डिपोजिशन से when the experiment is over, the pure solid is scrubbed. Scrubbed होता है खरोच के निकालना, is scrubbed from the inverted funnel. आप ये देखो inverted funnel से ये आप यहाँ से scrub कर सकते हो pure form, and with a spatula. Spatula आप एक टाइप का स्पून ही मान लो, एक spatula है, उसके मदद से you can scrub that thing, or a knife on a clean watch. Basically again we can take a beaker, either we can take another a china dish, either we can take a watch भी हमारी ऐसी ही शेप की होती है, उसमें हम अपना clean बिल्कुल clean surface होना चाहिए, उस पे आप अपना पूरा ये जो डिपोजिट जो ऊपर हुआ है प्योर सब्सटेंस उसको स्क्रैप करके रख सकते हो। ये बेसिक स्टेप्स है सब्लिमेशन का। फाइनली बारी आ गई है आयोडीन का। हमने यहाँ देखा था क्लास, हैव अ लुक, हमने यहाँ पर देखा था कि अमोनियम क्लोराइड अभी हमने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया। एंथ्रासीन है, कैम्फर आप घर में लगा के देखो कपूर, सीधा देखो कैसे सॉलिड से गैस बन जाएगी। आयोडीन ये मेरा फेवरेट है, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है। नैप्थलीन भी आपको घर पे बहुत इजीली अवेलेबल है, हैव अ लुक, नैप्थलीन भी कैसे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, नाउ सी क्लास, These are iodine balls. अब मैंने क्या किया, एक क्लीन बीकर में मैंने क्या किया, इसको ऐड, और मैं क्या करने लगी, उसको हीट। कैन यू सी, अगर जब मैं हीट कर रही हूँ ये ऐसे पर्पल कलर के वेपर्स आएंगे, पर्पल कलर के आएंगे। ठीक है, बिकॉज आयोडीन पर्पल कलर की, आप इसको हीट प्रोवाइड करो तो वो जो बॉल थी ना, सॉलिड फॉर्म की बॉल थी, सॉलिड, अब वो क्या हो गया, वो बन गई गैस, गैस में बन गई, वो भी पर्पल कलर गैस। तो नाउ इसके ऊपर हम रख देंगे एक ऐसे करके कोई भी यूटेंसिल, यू कैन पुट इट। अब इसके पास कोई स्पेस नहीं है बाहर जाने के लिए, तो व्हाट विल हैपन, सी ओवर हियर, यहाँ पर क्या है, कोल्ड सरफेस, आइस रखा हुआ है हमने, तो जब नीचे की जो वेपर्स आ रहे हैं वो ऊपर आके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जब आएंगे वेपर्स, यहाँ पर आके वेपर्स में थे क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे, डिपोजिशन। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। हैव अ लुक, देखो कितने बिल्कुल प्योर आयोडीन डिपॉजिट हो गया सरफेस पे, और यहाँ से आप स्क्रैप आउट कर सकते हो पूरा प्योर आयोडीन, नीचे का जो आप बीकर में रह गया है वो सारा आपका इम्प्योर सब्सटेंस है। कैन यू लिक्स, कितना प्यारा क्रिस्टल आया हुआ है। वी विल अगेन सी दिस एक्सपेरिमेंट। हमने आयोडीन बोल ली, उसको हमने हीट किया, सॉलिड से हमारा बन रहा है गैस। अब वो इतना हीट करते गए, हमने अभी ऊपर जा रही है, हमने क्या किया, एक यूटेंसिल रखा, उसमें रखी आइस, गरम गरम है, ऊपर है ठंडा, यहाँ सब्लिमेशन हो रहा है, ऊपर हो रहा है डिपोजिशन। डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ क्या होगा, सारे आयोडीन डिपोजिट हो जाएंगे। देखो ब्यूटीफुल आयोडीन क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस? सच एन अमेजिंग प्योर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। सो दिस, बाय दिस वी कैन एक्सट्रैक्ट अ प्योर आयोडीन एंड फ्रॉम द इम्प्योर वन। इम्प्योर आप ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, आपको इम्प्योर भी ना सेम पर्पल कलर का दिख रहा है, सेम टेक्सचर का दिख रहा है, बट यू हैव टू सेपरेट। कैसे सेपरेट करोगे? सब्लिमेशन से सेपरेट करोगे। ओके नाउ क्लास, हमने इतना सब पढ़ लिया सब्लिमेशन के बारे में। विल सी सम एप्लीकेशन। आपकी डेली लाइफ में ये एप्लीकेशन होता है बट हमें नोटिस कभी नहीं होता। जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, The process of sublimation is very useful in purification of such liquid which sublime on heating and contain non-volatile impurities. Purification में काम आ रहा है। अभी हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे प्योरीफाई हो रहा है। हमारे पास क्या था? अमोनियम क्लोराइड था और सोल्ट था, दो सब्सटेंस थे। इसके वजह से हमने क्या कर पाए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन we were able to separate, we were able to purify ammonium chloride. Same with iodine. Iodine को भी हम sublimation से बिल्कुल प्योर आयोडीन निकाल पाए, ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते थे, बट sublimation से बिल्कुल प्योर आयोडीन हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट यू नो नैप्थलीन बॉल्स, व्हेन एन इम्प्योर सैंपल ऑफ नैप्थलीन containing non-volatile impurities is heated, naphthalene will form vapors which will be deposited on the upper cooler portion of the funnel, while the non-volatile impurities remain in the dish. अगर नैप्थलीन के अंदर कोई भी impurities है और आप उसको heat करते हो, तो नैप्थलीन क्या है, एक sublimable substance है। दोनों substance में ना एक sublimable होना important है, तभी आप sublimation use कर सकते हो। तो नैप्थलीन एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, वो वेपर बन जाएगा, सॉलिड से सीधा गैस बनेगा, ऊपर जाके बिकॉज ऊपर डिपोजिशन होगा, ठंडा सरफेस है, वहां डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे जो रह गया दैट इज इम्प्योर। प्योरिफिकेशन में काम आता है, ठीक है। फॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, ये ना आप पहले जमाने में अगर आप देखो इतने बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर आते हैं, इतने बड़े बड़े, क्यों ना इतनी बड़ी बड़ी बर्फ जमती है उसमें से, बहुत ऐसे ना लगता है कि हम तो पता नहीं कहाँ माउंटेन्स में आ गए हैं। लेकिन ये जो फॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर आज के टाइम में ऐसे रेफ्रिजरेटर है। आज के टाइम में आप अगर फ्रिज खोलो, आप ऐसे तो नहीं दिखता है इतनी बर्फ आ गई। फिर क्या होता था पहले के टाइम में, इतनी बर्फ देखने के बाद फिर वो बंद कर देते थे फ्रिज, बैठे रहो, पूरी जो भी आइस है वो मेल्ट होगी, लिक्विड बनेगी, फिर वो पूरा क्लीन होता था, तब तक फ्रिज बंद है। राइट नाउ आज के जमाने में तो हम कभी फ्रिज नहीं बंद करते, फ्रिज में और कभी बंद नहीं करके भी कभी भी हमारे ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं हम कौन से माउंटेन्स में आ गए हैं, इतनी बर्फ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? ये जो हमारे ये ना फ्रिज को बनाया ही इस वे से जा रहा है कि ये जो वॉल्स होती है ना हमारे फ्रीजर के अंदर, जो वॉल्स होती है वो ऐसे वर्क करती हैं, उसमें गर्म हवा चलती है। यू नो कभी कभी बीच में अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया है तो एक गर्म हवा देगा, तो जिससे क्या हो रहा है, हमारा सीधा सॉलिड आइस हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तभी क्लास आप फ्रीजर ऑन करो सीधी भाप आती है, ठीक है। सो अगर आप पहले के टाइम देखो तो ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है, क्योंकि तब हमारे पास फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे। सो यू कैन सी आइस ऑन द वॉल ऑफ द फ्रीजर सब्लाइम्स व्हेन वार्म एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू द कंपार्टमेंट ड्यूरिंग द डिफ्रॉस्ट साइकिल। तो आपके ये ऑटोमेटिकली होता रहता है आपके फ्रिज के अंदर। देयर इज अ वार्म एयर इन द फ्रीजर इटसेल्फ, तो वॉल्स क्या करती हैं, बेसिकली गर्म हवा पास करी और सीधा सॉलिड दैट इज आइस को गैस में कन्वर्ट कर दिया। फ्रीजर खोला, ठंडी हवा आ रही है, ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है, राइट। सो यहाँ पर अगेन हमारा सब्लिमेशन हो रहा है। ओके अगेन द लास्ट एग्जांपल इज फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स। अब आपने देखा होगा, आप कभी गए होंगे बाहर, आपने यू नो अगर हम मकेन्स की बात करें, फ्रीजर में रखा जाता है, बहुत टाइम से फ्रीजर में रखा जाता है, तो अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो हम उसको फ्रीजर के हम डीप फ्रीज करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि जस्ट एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक आपके पास ईटिंग आइटम है, उसके अंदर हर एक ईटिंग आइटम के अंदर पानी का कंटेंट होता है। किसी के अंदर ज्यादा पानी का कंटेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, बट होगा, है ना, ज्यादा हो या कम हो होता है। सो अब हम इसको अगर हम फ्रीज करते उस फूड पार्टिकल को, फूड को अगर हम फ्रीज कर दें क्या होगा? वाटर भी फ्रीज हो जाएगा, वाटर विल फ्रीज। सो टू प्रिपेयर फ्रीज ड्राइड फ्रूट द फूड इज फर्स्ट फ्रोजन, पूरा फ्रोज कर दिया, पानी भी उसके अंदर जितना वाटर कंटेंट था फ्रीज हो गया है, अभी उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं लगेंगे क्योंकि पानी ही इज द मेन रीजन कि वो बैक्टीरिया एंड वो पूरा सड़ा देता है खाने को। अगर हमने पानी को ही जमा दिया तो खाना इतनी जल्दी आपका खराब नहीं होता, ठीक है। तभी आपके फ्रीजर में देखो आप कितने टाइम से ये मैकेन्स एंड ऑल रखे रखो, आपके खराब नहीं होते क्योंकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो फ्रीज कर दिया है। ओके, फर्स्ट वी हैव टू फ्रोज And then we have to place in a vacuum chamber. एक चैम्बर में रखा, क्या होगा अब यहाँ पर आपका जितना भी वाटर जो था पहले जो फ्रोजन था अब वो सारा निकल जाएगा, सारा नहीं निकलेगा, मोस्टली आपका वाटर वेपर, आपका जितना भी वाटर है वो वहां से निकल जाएगा। वेयर इट ड्राइज एज द आइस सब्लाइम्स, यहाँ पर आइस जो है पूरे पानी के अंदर एज अ वाटर फॉर्म में वो निकल जाएगी, सबलाइम हो जाएगी, गैस फॉर्म में चली जाएगी। द ड्राइड फ्रूट रिटेन ऑल ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऐसा नहीं है हमने फ्रीज कर दिया, पूरा पानी कंटेंट को फ्रीज कर दिया, खराब नहीं हो रहा है, अब आपने वैक्यूम चैम्बर में लेके आए, पानी चला गया तो उसके साथ न्यूट्रिशन भी चले गए, नहीं, न्यूट्रिशन उसका टेस्ट वैसा ही रहेगा, बस पानी गया है, वो खराब खाना नहीं होगा, बिकॉज पानी इज द मेन रीजन टू just to degrade the food. तो nutritional value खराब नहीं होगा, आपको पानी and the needs only water to make it ready for eating. A food that is freeze dried does not need refrigeration because bacteria cannot grow without moisture. है ना, पानी होता है तभी moisture होगा, so अगर moisture है then आपका food जल्दी खराब हो जाएगा, फ्रीजर है सो आपका फूड जल्दी खराब नहीं होता। सो यहाँ पर भी ये जो वैक्यूम में लेके आए हो सीधा जो वाटर वेपर गैस में बन गया, ये जो सॉलिड आइस है सीधा गैस में बन गया, सब्लिमेशन, कितना आस पास सब्लिमेशन हो रहा है लेकिन आज जाके पता चला है कि सब्लिमेशन होता क्या है। तो क्लास आज के सेशन के लिए बस यहीं तक, हमने बहुत डीपली सब्लिमेशन को पढ़ा है। स्टिल आपको किसी को भी छोटा सा भी डाउट है, तो इतना सा भी अगर किसी को डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एंड आई विल गिव यू द आंसर, आई विल रिवर्ट बैक ऑन कमेंट बॉक्स इटसेल्फ, ठीक है। और अगर वो बहुत ही मेजर टॉपिक जो मुझे लगता है कि क्लास में डिस्कस करना इज रियली इम्पॉर्टेंट, तो डेफिनेटली हम एक न्यू क्लास, हम एक सेपरेट क्लास बना रख सकते हैं जिसमें हम डाउट सेशंस रखें। So you can give me the comments in the chat box, in the comment box itself. You can give me your all the doubts. And if you really like this session, we really went into deep sublimation. हमने इतने अच्छे से कर लिया कि अब आप भूलने पे भी नहीं भूलोगे, ठीक है। So if you really like this session, so please like it and share it with others also, with your friends and with your, with your families also, with everyone which you feel like. That it is really important to share and really it will help others to gain their knowledge, and subscribe the channel so that you will get to know, you will get the notice that when we will be having our next class, and you won't waste your time, right? ऐसा नहीं होना चाहिए class चली गई और now you got to do, oh class तो miss हो गई. So you can take your class on time. So please subscribe it and class don't forget RAY code you have to use. You have to download the Unacademy Learners app and it is available in the Play Store and use this code RAY10. Why to use? Because flat 10% off, वो free वो चल रहा है यहाँ पर अभी 10% off चल रहा है। Go फटाफट, what you are waiting? जाओ and ये code use करो, 10% off लो, अपना focus area आप अपना खुद बढ़ा सकते हो जस्ट बाई टेकिंग सब्सक्रिप्शन। एंड यस, याद रखना, यू कैन एस योर स्टडीज, योर एग्जाम विद Unacademy। सो क्लास, for the timing, goodbye and take care of your health. Thank you. Let's crack it.